तो एक बार टक्कर लगी, दो बार, जब तीसरी बार हेलमेट से हेलमेट टकराया तो मैंने जो पलट के बाइक रोक के पीछे देखा तो कैलाश बाबू भाई साहब नींद की कुछ बेहतरीन झपकी ले रहे थे। तो ये भाई मॉर्निंग में उठते ही होटल से जैसे ही बाहर निकले हैं तो कुछ इस तरीके का नज़ारा हमको दिख रहा है भाई। ये आपकी स्क्रीन में है भाई कर्ण नगरी, और सामने जो बहती हुई आपको नदी दिख रही है खूबसूरत सी, तो ये है भाई पिंडर नदी। और राइट साइड इस तरफ भाई साहब सूरज देवता आज अपनी प्रचंड फॉर्म में है, यहाँ बात है। तो कैलाश बाबू मॉर्निंग कर दो एक बार बढ़िया करके। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो भाई मामला ऑल गुड हो गया है, नहा वहा के फिट है, और टाइम ये बज गया एग्जैक्ट 9, अभी जस्ट बजने ही वाला है। तो सीन आज का ये रहेगा भाई, आज हम कर्ण प्रयाग से बैक टू द पवेलियन सीधा जाएंगे भाई घर की तरफ। और बाकी लास्ट वाला जो ब्लॉग था गोरसन गुग्याल का जो हमने ट्रैक करा था, आई होप कि वो वीडियो आपने देख लिया होगा, और अभी तक नहीं देखा है तो इस ब्लॉग के बाद उसको भी जरूर देख लें। कुछ तगड़े लेवल का व्यू दिख रहा था उसके टॉप पॉइंट से, क्यों मेरी जान। और बाकी भाई साहब 9 तो यहीं पे बच गए हैं, तो काफ़ी लंबी राइड आज की होने वाली है, तो सनसेट होने से पहले घर पहुँचना है। तो अब क्या है कि लगेज वगैरह अपनी ब्लैक पैंथर में लगाते हैं, उसके बाद से सीधा आपको मिलते हैं हाईवे पे। बाकी की बातें जो है वो चलते चलते होंगी भाई। अब मेरी जान, और बाकी होटल रूम से बाहर निकले तो ये मुझे लग रहा है मैरिज हॉल है। तो ये गाइस अपना ब्लैक पैंथर हमने लोड कर दिया तगड़े तरीके से। बाकी कैलाश बाबू चाय नाश्ते का सीन फिर आगे चल के देखेंगे ना, थोड़ी देर राइड करते हैं, थोड़ी ठंडी ठंडी हवाओं से बातें करते हैं, उसके बाद से फिर खाएंगे खाना। और बाकी ये वाला हाईवे नीचे को चला जाता है भाई ओली की तरफ को, और हमने बढ़ना है इस तरफ हल्द्वानी की तरफ। चलो जी। तो ये गाइस फाइनली पूरी जोश के संग आज की राइड हमने भैया स्टार्ट कर ली है काठगोदाम हल्द्वानी के लिए, और बाकी आज की राइड हमारी रहने वाली है 200 किलोमीटर के आसपास, और उसमें पूरा ये दिन लग जाएगा क्योंकि रोड यहाँ से लेके हल्द्वानी तक बिल्कुल ऐसी है, नैरो एकदम। और बाकी लेफ्ट साइड आपको पिंडर नदी दिख रही होगी, अभी मॉर्निंग में मैंने आपको ये दिखाई भी, और रात भर इसी के शोर के साथ हम सोए हुए थे भाई, कुछ नेक्स्ट लेवल फील आ रहा था वहाँ पे। तो एक लगाते हैं बेहतरीन सा जयकारा और उसके वहाँ से निकलते हैं माठू माठू घर को। हर हर महादेव, क्या बात है। और बाकी हम कल सोच रहे थे कि सुबह मॉर्निंग में निकल जाएंगे टाइम से 6:30 बजे, पर हुआ क्या कि कल रात वीडियो एडिट करते करते मुझे 3 बज गया था, तो नींद पूरी हुई नहीं थी, इसलिए सुबह आराम से उठा मैं 7:15 बजे। तो ये गाइज आपको बेहतरीन से नज़ारे दिखाते दिखाते हम पहुंच चुके हैं भाई गैरसैंण, और अभी क्या है कि नाश्ता वगैरह कुछ किया नहीं है तो यहाँ कहीं ब्रेक लगाते हैं, और भूख लग रही है कुछ तगड़ी वाली, तो यहाँ लेते हैं भाई ब्रेक। क्या बात है कैलाश बाबू, सामने देखो ये आपका अपना विजय यूके वाला, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज, क्या बात है। तो ये गाइज यहाँ पे खाने के लिए ब्रेक लिया था, बाकी मज़े वाली अभी मैं बात बताता हूँ। अभी हम गैरसैंण कभी गैरसैंण को पहुँचे, तो अभी रास्ते में आते टाइम पीछे से ये मेरी हेलमेट पे बार बार टकराए, बार बार टकराए, तो एक बार टक्कर लगी, दो बार, जब तीसरी बार हेलमेट से हेलमेट टकराया तो मैंने जो पलट के बाइक रोक के पीछे देखा तो कैलाश बाबू भाई साहब नींद की कुछ बेहतरीन झपकी ले रहे थे। कर लिया फेस वॉश अच्छे से, और जैसे तुम झपकी मार रहे हो वैसे एक आधी झपकी मुझे आ गई, तो मामला ऑल गुड हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे लगाइए इमरजेंसी ब्रेक, नहीं तो मैं सोच रहा था दौरा हट चल के कुछ खाएंगे, पर क्या है कि यहीं रुकना पड़ा है। तो अब पानी वानी पीते हैं, फेस वॉश करते हैं, खाना वाना खा के फिर यहाँ से कमर कसी जाएगी कहाँ के लिए, घर के लिए। तो ये आ गया अपना पहाड़ी स्टाइल दाल भात, तो लपेटते हैं इसको गले तक, क्यों गला साहब, ताकि तुम्हारी नींद भागेगी, नहीं तो तुम्हारा विकेट कभी भी गिर सकता है। तो ये गाइस खाना वाना खा के फिट हो गए हैं भाई, कैलाश बाबू हो जाओ लोड, शाबाश। तो ये गाइस फाइनली निकल चुके हैं भाई गैरसैंण से, बाकी आप लोग बताओ क्या मौज आ रही है भाई, क्या बात है। तो मौज जो है वो लगातार बनी रहनी चाहिए। और बाकी इस वाली टूर की वीडियोस वगैरह आपको कैसी लगी तो कमेंट करके जरूर बताना, क्यों कैलाश बाबू, यह गुड।
तो ये गाइस अभी आपको एक तगड़ी सी चीज दिखाता हूँ भाई। सामने देखो ब्लोरो चल रही है टैक्सी नंबर की, और भाई ने एलॉय व्हील देखो कितने तगड़े डला रखे हैं भाई। इसको कहते हैं शौक बड़ी चीज है, क्या बात है। ये देखो ऐसे एलॉय व्हील आपको देखने को मिलेंगे सड़कों का हाथी महिंद्रा थार में भाई। तो ये गाइस अभी जस्ट हमने दौरा हाट भाई क्रॉस किया है, और सामने ये वाली पहाड़ की चोटी देखो भाई साहब, यहाँ से जो 360 नज़ारा दिख रहा है पूरी घाटी का, वो आपका भाई दिल जीत लेगा। तो सोच रहे हैं एक लिटिल सा ब्रेक यहाँ पे लगाते हैं और चलते हैं इसके टॉप पे, देखते हैं क्या जन्नत दिखती है। तो ये गाइस आ गए हैं भाई खड़ा पहाड़ चढ़ के टॉप में, और नीचे से देख के लग नहीं रहा था कि इतना टफ होगा, पर हालत ख़राब हो गई है। पर जो नज़ारा यहाँ से दिख रहा है तो इतनी मेहनत तो भाई साहब बनती थी इसके लिए, कुछ चटक व्यू आ रहा है। तो ये आप इंजॉय करो भाई यहाँ के टॉप पॉइंट से भी। तो ये गाइस बेहतरीन सा वहाँ पे एक शॉट लेके आ गए हैं अपनी यारा दी बुल्टे के पास, और बाकी ऐसा हो ही नहीं सकता है कि ये व्यू जो अभी आपने देखा होगा कि आपको पसंद ना आए, क्यों कैलाश बाबू। और बाकी भाई साहब कल तक तो हम माइनस टेम्परेचर में मौज मस्ती कर रहे थे, यहाँ नीचों का भी उतर रहे हैं हल्द्वानी की तरफ, तो गर्मी से जान निकली पड़ी है। तो भैया एक लेयर उतार दी है कपड़ों की, और बाकी डबल ग्लव्स करके घूम रहे थे वहाँ पे बर्फबारी में, भाई ग्लव्स भी सिंगल कर लिया है, पसीना पसीना हो जा रहा नहीं तो। और बाकी रानी खेत रह गया है डबल 22 किलोमीटर भाई यहाँ से, तो एक आधे घंटे में अपन लोग अभी होंगे भाई रानी खेत। और बाकी क्या है कि अपना आना और जाना इस टूर में सेम रूट से हुआ है भाई, तो पहले वाले ब्लॉग से ये वाला ब्लॉग थोड़ा हटके बने तो उसकी पूरी कोशिश है, इसलिए नई नई जगहों से वो व्यू कैप्चर करा जा रहा है एकदम तगड़े करके, क्यों कैलाश बाबू। बाकी कैलाश बाबू की आज बैटरी मुझे थोड़ी नहीं अच्छी खासी लो लग रही है, और बीच बीच में ऐसे ऑफ रोड वाले ये पैच वो आते जा रहे हैं। तो ये लो भाई ये पहुंच चुके हैं हम कैंची धाम आश्रम, तो आप भी दर्शन कराए थे तो जाते टाइम भी करा देते हैं एक बार। ये लो भाई, तो ये गाइस ये आप दर्शन करें कैंची धाम आश्रम के, ये आप देखो। तो ये गाइस हम पहुंचने वाले हैं हल्द्वानी, अभी मुश्किल से यहाँ से 20-22 किलोमीटर हल्द्वानी रहता होगा। बाकी यहाँ पे देखो इवनिंग हो ही चुकी है, और बाकी यहाँ पे देखो पूरा दिन हमको लगी गया है भाई, सुबह मॉर्निंग में 9 बजे चले थे कर्णप्रयाग से, और अभी क्या है सनसेट हो ही जाएगा थोड़ी बहुत टाइम में। और बाकी कमेंट करके बताएं कि ये वाला टूर आपको कैसा लगा, बाकी अभी इस वाले टूर की थकान उतारते हैं एक दो दिन में, उसके बाद से एक बेहतरीन सी जर्नी पे आपको फिर लेके चलेंगे, क्यों कैलाश बाबू। और बाकी उत्तराखंड तो लगभग मैंने सारे ही एक्सप्लोर कर लिया है, तो बाकी आप लोग कमेंट करके बताएं कौन सी जगह भाई एक्सप्लोर करी जाए अब तगड़े वाली। तो ये गाइस फाइनली एंटर कर चुके हैं भाई हम हल्द्वानी में, और ये देखो प्रॉपर जो है कि रात भाई हो ही गई है। और बाकी भाई जब राइड हमारी स्टार्ट हुई थी तो मॉर्निंग में उस टाइम पे भी ये लाइटें जली हुई थी, और अभी वापसी कर रहे हैं तो भी ये लाइटें जली हुई हैं भाई, तो ये देख लो किस लेवल का प्रोटोकॉल हाई चल रहा है, क्यों मेरी जान। तो अभी थोड़ी बहुत देर में पहुंच ही जाते हैं घर, तो सीधा मिलते हैं आपसे घर पे चल के। तो ये गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं भाई घर, और पहुंचते पहुंचते ठीक ठाक टाइम हो गया है, और बाकी थकान भाई सब कुछ ताबड़तोड़ वाली लग रही है एकदम, क्यों कैलाश बाबू।
हालत सी खराब हो गई है। और बाकी आई होप कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय श्री, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय भाई।